हाय दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सब एकदम रेडी है ना? कोई काम वाम तो नहीं रखा है आपने? अब कुछ है भी तो अब वो गुड न्यूज़ क्लब के बाद ही होगा, ठीक है? आधा घंटा अब हम सिर्फ गुड न्यूज़ क्लब पे ध्यान देंगे, ओके? तो गुड न्यूज़ क्लब शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, प्रार्थना करेंगे। तो चलो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। प्यारे पिता परमेश्वर, एक नए गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं उनसे बात कर और उनको अपने बारे में बता और उनके दिल में आ। ये एक अच्छा गुड न्यूज़ क्लब एपिसोड हो पाए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ये सारे बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग हो पाए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो ये गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड को बनाने में जिनने मदद की और जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब हमारी हो गई है प्रार्थना, तो गुड न्यूज़ क्लब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होगा? गाने का टाइम है, मेरा फेवरेट टाइम। आपका भी है क्या? आप मुझे बाद में बता सकते हैं वैसे आपका फेवरेट टाइम क्या है। फिलहाल तो ये मेरा फेवरेट टाइम है गाने का। तो आज जाके देखते हैं कि आज का गाना कौन सा है। चलो किसके साथ था परमेश्वर डैनियल, डैनियल किसको मिली थी हमेशा विक्ट्री डैनियल, डैनियल वो परमेश्वर राज है यहाँ मेरे अंदर बाहर सब जगह, मिलकर खुशियाँ मनाए क्योंकि वो है मेरा परमेश्वर। हेलो बच्चों, आपने देखा जैसे कि मुझे फोन आया और मैंने इस फोन का जवाब दिया है ना, तो वैसे ही आज हम एक वचन सीखेंगे बाइबल में से कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और वो कैसा हमें उत्तर देता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों ये है बाइबल। अब सब बोलो बाइबल। केवल बाइबल नहीं, पवित्र बाइबल है। और इसमें कितने भाग है आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, दो भाग है। क्या क्या है? पुराना नियम और नया नियम। आप मेरे साथ कर सकते हैं, पुराना नियम नया नियम। हाँ, तो ये बाइबल में दो भाग है, और जो है पुराना नियम और नया नियम। और आज हम जो बाइबल का वचन सीखेंगे हम पुराने नियम में से सीखेंगे, और यरमिया का किताब जो है यरमिया 33:3 में से हम सीखेंगे। तो बच्चों कुछ भी सीखने से पहले तो आप लोग को ध्यान से सुनना है, और मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। यरमिया 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यरमिया 33:3, मेरे पीछे बोलो एक बार, यरमिया 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यरमिया 33:3। तो बच्चों ये आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं ना, इसीलिए क्योंकि अक्षर बहुत छोटा है इसीलिए आपके लिए स्क्रीन पे है। अब दिख रहा है आपको? यस, आपको दिख रहा है, वेरी गुड। तो फिर से आप मेरे पीछे बोलो, यरमिया 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यरमिया 33:3। तो यहाँ पे कौन कह रहा है मुझे पुकार? परमेश्वर कह रहा है मुझे पुकार और मैं तुझे क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। यानी जब आप प्रार्थना, मुझे पुकार यानी प्रभु प्रभु ऐसा पुकारना नहीं, आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करते हैं,
यस, वेरी गुड। कुछ बच्चे प्रार्थना करते हैं, आप सबको प्रार्थना करना है, यानी जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, उत्तर देंगे। अलग अलग रीति से वो आपको उत्तर देंगे और वो आपका प्रार्थना को सुनेंगे, है ना, इसलिए परमेश्वर कहते हैं। ओके, सो यिर्मयाह 33:3, मेरे पीछे फिर से बोलो, यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। ओके, सो परमेश्वर आपको जवाब जरूर देंगे, पर तीन तरीके से वो आपको जवाब देंगे। हाँ, ना, रुको। बोलो मेरे साथ, हाँ, ना, रुको। ओके, हाँ, ना, रुको। इन तीन तरीके से परमेश्वर आपको जवाब देंगे, पर पक्का वो आपका जवाब देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा वचन है और वो आपका जवाब जरूर देंगे। फिर से भी बच्चे मेरे पीछे बोलो, यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3, फिर से बोलो मेरे पीछे, यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। तो अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको ये वादा देता है, प्रॉमिस करता है कि जब जब आप उसको पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपका जरूर सुनेंगे और आपको जवाब देंगे। और अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए हैं आज तक, तो आज आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं। विश्वास यानी यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन और फिर से जी उठे, और केवल यीशु मसीह ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं। तो ये आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपका प्रार्थना जरूर सुनेंगे। फिर से आप मेरे पीछे बोलो, यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। लास्ट बार हम बोलेंगे, मेरे पीछे बोलो, ओके, यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। अभी हम सब साथ में मिलके बोलेंगे, मैं तीन तक गिनूंगी और हम जोर से बोलेंगे, ओके, 1, 2, 3, स्टार्ट। यिर्मयाह 33:3, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। रात का समय था, यरूशलेम में ज्यादातर लोग सो रहे थे और एक घर का लाइट चालू था। एक घर में जो बत्ती शुरू थी, लाइट बंद नहीं हुआ था, और वहां पर लोगों का प्रार्थना करने का आवाज आ रहा था। ये किसका घर है और किसके घर पे लाइट चालू है, आओ हम आज के कहानी से देखेंगे कि क्या हुआ और कहां पर ये लाइट शुरू है। उस समय की बात है जब राजा हेरोदेस का समय था और वो सारे मसीह लोगों को पकड़कर मार रहा था, और कुछ समय पहले ही उसने यूहन्ना को, बपतिस्मा देने वाले यूहान को मरवा दिया, उसने याकूब को मरवा दिया, और अब उसका नजर पड़ा पतरस पर और उसने पतरस को पकड़ लिया और पतरस को उसने जेल में डाल दिया ताकि वो किसी को भी यीशु के बारे में ना बता पाए। यीशु के बारे में बताने में क्या तकलीफ है, वो क्यों ऐसा पकड़ा गया, क्यों उसे पकड़ा गया, क्योंकि वो सबको जाकर बता रहा था कि यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का बेटा है। बहुत बार आप जब सही काम करते हो तो आपको शायद तकलीफों से गुजरना पड़ता है, आपने सच बताया तो उसके लिए आपको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पतरस को उसके लिए तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था यीशु के बारे में बताने की वजह से। लेकिन यीशु कौन है बच्चों? यीशु परमेश्वर का बेटा है। ये सच्चाई आपको पता है क्या? यीशु स्वर्ग से क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया। रोमियो की किताब अध्याय 5:8 में लिखा है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमारे लिए मारा गया वो क्रॉस पे था, और उसने अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं, हमारे पापों से हमें क्षमा मिले। पाप क्या है बच्चों? पाप यानी ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो करने से हम बुरा सोचते हैं, बोलते हैं या बुरा करते हैं, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो है पाप, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें, और वो क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हो,
यीशु मुझसे प्रेम रखता है। बोलिए, यीशु मुझसे प्रेम करता है। सही बात है, यीशु आपसे और मुझसे प्रेम रखता है, इसीलिए उसने अपना बलिदान क्रूस पर दिया और वो चाहता है कि हम उस प्रेम को याद रखें। और पतरस यही प्रेम के बारे में लोगों को बता रहा था, यीशु के बारे में बता रहा था, इसलिए उसे पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया। और ऐसा वैसा जेल नहीं था बच्चों, जेल में जब डाल दिया, जेल का अच्छी बात है क्या जेल में रहना? नहीं, आप आराम से अपने बिस्तर पे सो सकते हैं, जो मन में आया वो खा सकते हैं, मम्मी को बोल सकते हैं मम्मी मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जेल में ऐसा नहीं होगा, आपको जो दिया गया है आपको वही खाना पड़ेगा जो आपके टेबल पर है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते ये बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपको अच्छे सारी चीज़ें मिलेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। पतरस को जेल में डाल दिया और राजा हेरोदेस ने एक बात की थी, 16 जो सिपाही लोगों को पतरस के साथ रखा था, और उतना ही नहीं, चार चार करके वो आते थे, और 2 लोगों को तो उसके हाथ और पाँव के साथ में वो जेल के अंदर भी रखा था। यानी उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं पतरस को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगले दिन वो पतरस को मरवा देना चाहता था। तो बच्चों, क्या आपको लगता है परमेश्वर हमें ऐसे ही छोड़ देता है? पतरस को वो तकलीफ देना चाहता था और पतरस को वो मारने का पूरा तैयारी कर दिया था। लेकिन आपको पता है पतरस क्या कर रहा है यहां पर जेल में? मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देखिए, पतरस सो रहा था। बहुत ही अलग बात है ना, अभी कल उसे मारा जाएगा, शायद उसको सबके सामने बहुत मुसीबतें आने वाली है, लेकिन पतरस क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। बच्चों, ये पतरस आराम से कैसे सो पाया था वहां पर? ऐसा क्या है जो पतरस को तकलीफ नहीं दे रहा है? कोई बात की उसको चिंता नहीं है, क्योंकि लिए वो जानता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि लिए कुछ दूर शहर में कुछ लोग जो यीशु को जानते हैं वो सारे मिलकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, जो ऐसे चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो नामुमकिन है। प्रार्थना शायद प्रार्थना कर रहे थे पतरस को बाहर लेके आओ, उसकी जान बचाओ परमेश्वर, और सारे विश्वासी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आपको क्या लगता है परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देगा? जी हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों देता है? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसने कहा है, जैसा कि आज के वचन में हमने देखा यिर्मयाह की किताब से 31:3 में, तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है और हमेशा हमारे प्रार्थना का जवाब वो देता है। जैसा कि हमने देखा वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके और मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। जब आपको संकट आए, जब तकलीफ आए, तब आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। शायद आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, एग्जाम आपको बहुत हार्ड जा रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपने जो पढ़ाई किया है अगर आप भूल गए हैं एग्जाम के समय पर, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर आप संकट में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आपके घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, आप यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना सुन के जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो बच्चों, अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो वो प्रार्थना सुन के प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, जैसा कि पतरस के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। कहां पर? वो एक मरियम नाम के एक स्त्री के घर पर सब लोग इकट्ठा होकर, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग सब प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर तू मदद कर, पतरस को बाहर ले किया, और वहां पर पतरस आराम से सो रहा है। तो बच्चों, मेरे साथ आप करेंगे, सो के दिखाइए आराम से, खराटे कैसे मारते हैं आप रात को वैसे दिखाइए। वेरी गुड, जी हाँ, पतरस आराम से सोया है। इस तरफ एक कैदी है, इस तरफ एक कैदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो सो रहा है आराम से। अचानक से उसको ऐसे करके कोई उठा रहा है। आपको जब सुबह सुबह मम्मी उठाती है तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी थोड़ा सोने दो, 5 मिनट हम ऐसे करते हैं ना। पतरस ने भी शायद ऐसा किया होगा, हमें नहीं पता। जैसा ही उसे उठाया गया, जैसे आंख खोला, सामने एक स्वर्गदूत था,
जो परमेश्वर ने भेजा था पतरस को बचाने के लिए। और जैसा ही पतरस ने अपनी आंखें खोली वो एकदम से चकित हो गया। क्या हुआ मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर जैसा ही वो स्वर्गदूत आया उसने उठाया पतरस को जल्दी कर, उसके हाथों से उसके पैरों से वो बेड़िया गिर गई और पतरस आज़ाद हो गया है। और पतरस के आगे आगे वो स्वर्गदूत जा रहा है और पतरस उसके पीछे पीछे जा रहा है, एक गेट दो गेट ऐसा पार करते करते धीरे धीरे वो उस जेल के बाहर आ गया है और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। और उसके बाद जैसे वो बाहर आया उसे लगा क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हम सुबह सुबह उठ के ऐसे ऐसे आँख करते हैं ना, शायद पतरस ने भी ऐसा किया होगा, उसे लग रहा होगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसे पता चला नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो सही बात है। यहाँ पर क्या हुआ, पतरस को परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना सुना और पतरस को जेल से बाहर लाया। और जल्दी से पतरस तैयारी कर कर क्या कर रहा है, जा रहा है शहर में जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, मरियम के घर पर, वहाँ पर वो जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और वो जल्दी जल्दी से वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है, टक 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 टक, रात का समय है, सब सो रहे हैं आसपास, लेकिन यहाँ पर जो विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं तू पतरस को बचा ले छुड़ा ले, और अचानक से दरवाजे पे खटखट 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 हुआ। वहां पर सब प्रार्थना कर रहे हैं, एक लड़की आई रोधा नाम की, क्या नाम था, रोधा, और जो प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए, अचानक उसने आवाज सुना खटखट का, वो दरवाजे के पास आई और पूछी कौन है। बच्चों जब आपको आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो आप भी पूछते ना कौन है बाहर, वैसा ही जब नॉक कर रहे थे वहाँ पर जैसे ही आवाज़ आया, पतरस नॉक कर रहा था अंदर से, जब वो खटखटा रहा था पतरस, रोधा नाम की लड़की पूछती है कौन है, और वहाँ से पतरस ने कहा मैं पतरस हूँ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और रोधा एकदम से चौंक गई, ये तो वही पतरस है जिसके बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो दौड़ के अंदर गई सबको बताने के लिए, लेकिन वो दरवाजा खोलना भूल गई, पतरस तो बाहर ही खड़ा था। वो जल्दी से भाग के अंदर गई और सबको बताई रुको रुको जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो पतरस दरवाजे पे खड़ा है। सबने लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, सबने बोला हैं तू कुछ भी बोलती है, शायद तूने उसका भूत देखा होगा, तुझे गलत फहमी हो गई होगी, तुझे नहीं समझ रहा है वो तो जेल में है, ऐसे अलग अलग चीज़ें कहा। लेकिन पतरस जब बाहर खड़ा था वो दरवाजे पर खटखटाता रहा थोड़ा जोर जोर से, मेरे साथ आप खटखटाएंगे दरवाजा खटखटाइए, टक 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 टक, हाँ वो खटखट रहा था। और जैसे ही सबने सुना जल्दी से सारे लोग दरवाजे पे आए और दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लिया है। और जैसा ही ये परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, बच्चों अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा। जब जब आपको जरूरत है आपको उसे प्रार्थना करना है, और जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा, क्योंकि आज के वचन में लिखा है वो प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है और आपके और मेरी प्रार्थना का वो जवाब देता है। क्योंकि लिए जैसा कि समझो आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आप प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मेरी मदद कीजिए, पढ़ाई में मेरा मन लगाइए ताकि एग्जाम के समय में मुझे दिक्कत ना हो। आप प्रार्थना कर सकते हैं जब आपको कोई तकलीफ आ रही है, आप बोल सकते हैं यीशु मदद कीजिए और वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आप कोई परेशानी में है आप प्रार्थना कीजिए, यीशु आपकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि प्रार्थना में वो मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कहता है कि मैं निरंतर परमेश्वर मेरा सहायक है, आपको याद है हमने पिछले बार सीखा था ये वचन, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर आपका सहायक है, वो आपको ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि लिए आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो प्रार्थना सुन के उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हमने पिछली बार गाने में भी सुना था, वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है, और वो हमेशा आपके साथ रहकर आपके प्रार्थना का जवाब देगा। और जैसे ही पतरस अंदर आया, पतरस अंदर आकर सबको बताने लग गया कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और कैसे आप लोग के प्रार्थना का जवाब दिया और मुझे वो जेल से बाहर लाया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ।
और सारी बातें जब पतरस बता रहा था, ये लोग एकदम अचंभित हो गए और बोले परमेश्वर मना महान है। वो परमेश्वर की स्तुति करने लग गए, परमेश्वर का धन्यवाद देने लग गए। बच्चों हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। दूसरे दिन जब हेरोदेस को पता चला, राजा हेरोद को, कि पतरस बाहर चला गया, उसको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से वो बहुत ही गुस्से में आ गया। तो बच्चों क्या आप प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर का जो प्रार्थना का जवाब देता है? आप प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा कि हमारे आज के वचन से हमने सीखा है, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन वो कब आपकी प्रार्थना का जवाब देगा? जब आप उसे अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे तब। लेकिन अगर आज तक आपने ये नहीं किया तो आज आप कर सकते हैं, आज आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, आप मेरे दिल में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए, ताकि मैं हमेशा आपसे प्रार्थना कर सकूं और आपके पीछे चल सकूं। क्या आप ये प्रार्थना करना चाहेंगे? मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मेरी मदद कीजिए ताकि हमेशा मैं आपसे प्रार्थना करूं और आपके पीछे चलूं, आप मेरी सहायता कीजिए, यीशु के नाम से आमेन। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको याद रखना है, यीशु आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर जिंदा हो गया, और वो आपकी मदद करना चाहता है। आपकी प्रार्थना का जवाब वो जरूर देगा। आप निरंतर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। कैसे हो? आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज मैं आपके लिए कुछ विशेष लाया हूँ, क्या आप देखना चाहेंगे? वेरी नाइस। तो आज मैं आपके आंखों का निरीक्षण करने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ आपकी आंखें कितनी तेज है। आज मैं आपको दो कार्ड्स दिखाऊंगा, मेरे पास दो रंग के कार्ड्स है और ये कार्ड्स के साइज जो है, ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है? हम देखेंगे, ठीक है? अब आप देखिए, मेरे पास दो कार्ड्स है, एक लाल रंग का है एक पीला रंग का है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? या आपने सही कहा, आपको दिखाई दे रहा है कि लाल वाला छोटा है और पीला वाला बड़ा है। लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें 3 सेकंड के लिए बंद कीजिए, ठीक है? मैं 3 गिनने तक आप आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद की आपने, रेडी, 1 2 3 आंखें खोलिए, देखिए। हाँ, अब क्या हो गया? ये पीला वाला छोटा हो गया और लाल बड़ा हो गया, कैसे? शायद आपको लग रहा रहेगा कि मैंने बदल दिया। नहीं, अभी मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है? आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी मेरे इस हाथ में पीला है और इस हाथ में लाल है, ठीक है? बदल दूं और ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, रेडी। हाँ, अभी अरे लाल छोटा हो गया और पीला बड़ा हो गया। बच्चों ये कैसे हो रहा है और ये क्या हो रहा है? हमारा नजरिया, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा नजरिए पे सब कुछ निर्भर करता है। मैं खास करके आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है, यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यीशु के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं और स्वर्ग परमेश्वर का घर है। आइए मैं आपके लिए एक वचन बाइबल से पढ़ूंगा, बाइबल परमेश्वर का वचन है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका यूहन्ना अध्याय 14:2-3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखा बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु जो है वो स्वर्ग में जाकर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर वहां पर रहता है और वो चाहता है आप भी एक दिन वहां पर जाओ। लेकिन आप बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जैसा मैंने कहा, नजरिया देखने का, आप जब ऐसे देखते हैं तो आपको शायद लगेगा नहीं नहीं स्वर्ग पहुंचने के लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। आपको देखना है हम यीशु के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि लिए जब मैं ये दोनों कार्ड को साथ में रखूंगा आपको समझ में आएगा, ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ना ही शेप में अंतर है, ना ही साइज में अंतर है, ये एक समान है। वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के द्वारा ही आज हम स्वर्ग जा सकते हैं
और आपके लिए ये विशेष बातें मैं बताना चाहूंगा। तो अगर आज तक आपने प्रार्थना नहीं किया या फिर ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है या आपके नजरिया अलग था स्वर्ग की तरफ परमेश्वर की तरफ देखने का, आज आप वो बदल सकते हैं और ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वर मेरी मदद कीजिए, मुझे भी स्वर्ग जाना है एक दिन और मुझे भी परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु यीशु, इन बच्चों को आप मदद कीजिए ताकि इनका नजरिया संसार की तरफ, खुद के तरफ, परिवार के तरफ और आपके तरफ देखने का सही हो जाए। आप मदद कीजिए यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे। तो अब बाय बोलने का समय आ गया है। होप कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बाइबल की कहानी पसंद आए, गाने पसंद आए और जो भी आज हुआ है वो आपको पसंद आया। अब क्योंकि जाने का टाइम हो गया है, एक और बार याद दिला रही हूँ कि हम हर हफ्ते मिलेंगे इसी टाइम इसी दिन 4:30 हर शनिवार को। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय।